हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ गेमिंग न्यूज़। तो यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले मोबाइल गेमिंग न्यूज़ की तरफ से। तो यहां पे सबसे पहले न्यूज़ आ रही है स्पाइस इन डिस्गाइज़ के गेम को लेकर के। तो स्पाइस इन डिस्गाइज़ का गेम जो है वो रिलीज़ हो गया है, लॉन्च हो गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पबजी मोबाइल से लेकर के। तो पबजी मोबाइल में रिसेंटली पेलोड मोड एंड वॉर मोड का मैशअप बन गया है। तो बेसिकली ये वॉर मोड ही है विथ पेलोड वेपन्स। तो ऐसा कुछ करके है ये नया मोड जो है अभी ईवो ग्राउंड मोड में ऐड किया गया है। देख सकते हो कि किस तरीके का गेम प्ले है, सेम ही है, बस वेपन्स आ गए नए। और पबजी मोबाइल में कुछ नई चीजें आने वाली हैं फ्यूचर में, जैसे कि ड्रोन आने वाला है, देख सकते हो ऑन स्क्रीन। ये ड्रोन स्काउटिंग का काम कर सकता है एंड ये फिलहाल अभी पबजी चाइनीज के अंदर है। बट जो चीज चाइनीज में है वो किसी ना किसी तरीके से टेंशन जो है वो ग्लोबल में भी ठूसी रही है। सो चांसेस है कि पबजी मोबाइल के ग्लोबल में ये आ जाएगा ड्रोन। स्काउटिंग वाला सिस्टम जो था वो सीओडी मोबाइल में था एंड कुछ चीजें यहाँ पे जो है बोरो होने लग गई है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका ये नेक्स्ट टीडीएम। तो पबजी मोबाइल के अंदर एक नया टीडीएम मैप भी आने वाला है और ये टीडीएम मैप भी अभी फिलहाल चाइनीज वर्जन पे है। इसका गेम प्ले ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो ये बेसिकली इस वाले मैप का खास बात ये है कि आपको एरिया डिफेंड करने होंगे, जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। जिन लोगों ने सीओडी मोबाइल खेला है उनको पता होगा इस मोड के बारे में एंड जिन लोगों ने पीसी वाला भी खेला हुआ है उनको भी पता होगा कि ये मोड किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको डिफेंड करना होता है अपना एरिया, ठीक है, और दूसरे वाली टीम को कैप्चर करना होता है, ऐसा कुछ करके होता है। तो ये वाला भी टीडीएम मोड भी जो है आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा एंड इसे भी मैं कह सकता हूँ कि सीओडी मोबाइल से बोरो किया हुआ है। बट दोनों की कंपनी जो है वो टेंसेंट है तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस वो अपने ही चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पबजी मोबाइल जो है वो 2019 का सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग गेम बन गया है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग गेम बन गया है 2019 का। और सबसे ज्यादा मोस्ट डाउनलोडेड गेम जो है वो फ्री फायर है। काफी पैसे कमाया पबजी मोबाइल ने 2019 में क्योंकि काफी ग्रोथ हुई है इसकी, तो या डिजर्विंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में रिसेंटली अभी प्रॉप हंट मोड ऐड किया गया है। ये काफी पॉपुलर मोड है, सीओडी पीसी में जो था वो काफी फेमस मोड था ये एंड इसको मोबाइल में ऐड किया हुआ है। तो अभी आने वाले टाइम में कुछ नए इसके अंदर मल्टीप्लेयर मैप्स भी आने वाले हैं एंड विंटर का अपडेट चल रहा है तो वो भी अगले साल तक रहने वाला है, मेरे ख्याल से January 16 तक। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी लिस्ट है अपकमिंग इवेंट्स एंड चैलेंजेस की, तो ये भी चीजें हैं। एंड एक नया मैप भी जो है वो आने वाला है और ये प्रॉप हंट मोड जो है ये दूसरे मैप में भी जो है वो एक्सटेंड होगा लाइक क्रैश और स्टैंड ऑफ मेड 2020 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेने से पहले क्यों ना हम बात कर ले हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है विंजो ऐप। तो विंजो गोल्ड ऐप एक गेमिंग अर्निंग ऐप है जिसके अंदर आप मल्टीपल गेम्स खेल करके जो है पैसे कमा सकते हैं और ये बहुत ही जेन्युइन ऐप है, काफी ही ज्यादा ट्रस्टफुल ऐप है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि विंजो बाजी के अंदर काफी सारे ऐसे छोटे छोटे गेम्स है जिनको आप खेल करके पैसे कमा सकते हो। बहुत ही बेसिक से गेम है, इसके अंदर कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप दूसरे लोगों को चैलेंजेस कर सकते हो यहाँ पर। और इसके अंदर और भी बहुत तरीके हैं पैसे अर्न करने के, लाइक आप रेफर कर सकते हो, रेफर में जाकर के अगर आप ये ऐप अपने दोस्तों को बताते हो या अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में फैलाते हो इस ऐप को और वो इंस्टॉल करते हो तो आपको ₹5 मिलते हैं, अगर दोस्त कैश ऐड करता है तो ₹20। और इसी तरीके से जो है आप मल्टीपल तरीके से यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेफर एंड अर्न कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे 24/7 टूर्नामेंट चल रहे हैं जिसका प्राइस पूल ₹300 है। आप जो है देख सकते हो यहाँ पे जिस हिसाब से भी यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फैंटेसी लीग चल रही है, फैंटेसी लीग से भी पैसे कमा सकते हो, प्रमोशन भी कर सकते हो अगर आप इस ऐप का प्रमोशन करना चाहते हो अपने जरिए। तो काफी अच्छा अर्निंग ऐप है ये एंड रिसेंटली मैंने भी अभी कुछ अमाउंट जो है इससे निकाला है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, इतने अमाउंट मैंने रिसेंटली अभी इस ऐप से निकाला है। तो काफी जेन्युइन ऐप है, काफी अच्छा ऐप है। आपका अमाउंट जो है आपके पेटीएम या फिर आपके यूपीआई अकाउंट में जो है वो आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आपको बस बेसिक से गेम खेलने हैं और उसके बाद आप पैसे जो है आराम से कमा लोगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे पीसी गेम न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे पीसी गेम्स में सबसे पहले न्यूज आ रही है GTA 6 के बारे में। आई नो आप सब लोग, मैं भी इवन जानना चाहता हूँ कि GTA 6 रिलीज कब होगा, कब इसकी रिलीज डेट है एंड क्या क्या लीक्स हैं। वेल कुछ यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड आगे की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा तो वो आपका शायद दिल खुश हो जाएगा उससे सुन के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली एंड उस इंटरव्यू में बेसिकली जो GTA 5 के लीड एक्टर्स थे वो सारे के सारे आए हुए थे एंड उन्होंने वहाँ पे GTA 6 के बारे में कुछ बातें करी एंड जो प्रीवियस गेम्स में हीरोज थे लाइक CJ जो GTA San Andreas का था मेन लीड, उसके बारे में बात हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे बताया जो स्टीवन ऑग है जिन्होंने ट्रेवर का रोल प्ले किया है, उन्होंने बताया कि GTA 6 की अनाउंसमेंट जो है वो कभी भी हो सकती है, कभी भी उसके बारे में कुछ भी आ सकता है। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, उनको पता जरूर है बट उन्होंने बताया नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने खुद बोला है कि वो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं GTA 6 के बारे में। और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे बड़ी ये निकल के आ रही है कि शायद CJ जो है वो GTA 6 में आ सकता है और ऐसा कहना है फ्रैंकलिन जिन्होंने प्ले किया है GTA 5 में, रियल लाइफ में उनके ब्रदर हैं जिन्होंने CJ का कैरेक्टर प्ले किया था GTA San Andreas के अंदर एंड उनका कहना है कि शायद वो GTA 6 के अंदर CJ को दोबारा ले आएंगे एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो सीरियसली काफी कमाल एंड काफी मजा आ जाएगा।
Talvez o CJ volte, mas eu não posso falar ainda. और यहाँ पे जो अगली लीक आ रही है वो GTA 6 से ये आ रही है कि GTA 6 का यहाँ पे लोकेशन शायद रिवील हो गया है, ऐसा लीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक क्रिसमस गिफ्ट में जो रॉकस्टार ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को कुछ गिफ्ट दिए थे एंड उस गिफ्ट के ऊपर कुछ एक लोकेशन थी एंड उस लोकेशन की पिक आप देख सकते हो यहाँ पे कंबोलियन फ्लैग्स वगैरह है, जमैकन फ्लैग्स वगैरह है यहाँ पर। तो इससे लोगों का ये कहना है कि जो GTA 6 की लोकेशन है वो सेट होने वाली है साउथ अफ्रीका के अंदर, एंड ऐसा भी फिलहाल लीक है, कुछ कन्फर्म नहीं है, बट स्टिल उनके हिसाब से GTA 6 जो है वो साउथ अमेरिका में सेट होने वाला है। तो ऐसे कुछ करके न्यूज आ रही है एंड जिस हिसाब से इंटरव्यू में स्टीवन ऑग ने बताया कि वो GTA 6 को कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद पॉसिबिलिटी है कि हमें शायद E3 वगैरह में शायद कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो ये रेजिडेंट ईवल के गेम से। तो आप सब जानते हैं कि रेजिडेंट ईवल के गेम में जो है काफी सारे मॉड्स आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नए मॉड आते रहते हैं। तो रिसेंटली अभी इसमें एक नया मॉड ऐड हुआ है, वो है एली का मॉड, जो कि लास्ट ऑफ अस गेम में है एक कैरेक्टर है, वो आप रेजिडेंट ईवल के गेम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है रेजिडेंट ईवल 3 के रीमेक को लेकर के। तो रिसेंटली अभी रेजिडेंट ईवल 3 जो है वो अनाउंस हुई है, उसका ट्रेलर वगैरह आ गया है एंड इस बार उन्होंने बताया गेम के बारे में कि ये जो है ये गेम पिछले वाले गेम से काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड गेम होने वाला है। हालांकि रकून सिटी वगैरह ही सारा कुछ प्लेसमेंट है इसका, जो रेजिडेंट ईवल के रीमेक में एक्शन था उससे कहीं ज्यादा होने वाला है ऐसा कुछ कहना है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और न्यूज ये है कि जो जिल वैलेंटाइन का कैरेक्टर है उसके प्रोटोटाइप एक्टर की यहाँ पे पिक निकल के आ गई है, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। तो जिल वैलेंटाइन जो है अपने जो ओरिजिनल गेम से था उससे काफी ज्यादा अलग है, रीमेक में ऑब्वियसली काफी ज्यादा चीजें नई चेंजेस आए हैं एंड खासकर जो जिल वैलेंटाइन का फेस है काफी कमाल का लग रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है विचर 4 को लेकर के। तो आप सब जानते हैं विचर 3 स्मैश हिट, कमाल, ब्लॉकबस्टर, जो भी मर्जी बोल लो, एंड अब तो विचर का एक सीरीज भी आ गया नेटफ्लिक्स पे। तो यहाँ पे सीडी प्रोजेक्ट के साथ एक नई डील साइन हुई है द विचर के ऑथर के साथ एंड मे बी कहा जा रहा है कि शायद सीडी प्रोजेक्ट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो विचर 4 हो सकता है। एंड मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि अभी उनकी एक सेटलमेंट हुई है डील को लेकर एंड उस एग्रीमेंट में मे बी शायद जो नेक्स्ट विचर 4 है शायद उसको लेकर के बारे में कुछ नई सेटलमेंट हुई हो, और क्या पता शायद विचर यूनिवर्स में ही कुछ नया वो लेकर आ रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है साइबरपंक 2027 से लेकर के। तो साइबरपंक 2027 के फिगर्स में यहाँ पे कियानु रीव्स का जो कैरेक्टर है जॉनी सिल्वरहैंड उसका यहाँ पे पिक निकल के आया, आप देख सकते हो। तो साइबरपंक 2027 के जो है काफी सारे ऐसे टॉयज वगैरह आने वाले हैं एंड फैंस की रिक्वेस्ट थी कि क्या कियानु रीव्स का उनको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा टॉय। तो यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो कि यहाँ पे जो कियानु रीव्स का कैरेक्टर है जॉनी सिल्वरहैंड गिटार पकड़ करके एकदम रॉक ऑन मोड में जो है गाना बजा रहा है। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव रहेगा गेम स्टॉप पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है ओरी के डेवलपर से। तो ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक मेट्रोइडवेनिया का काफी अच्छा गेम था, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पब्लिश किया गया था। अभी इसका ओरी एंड द विल ऑफ विस्प का जो है सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है। जो मून स्टूडियो जो इनके डेवलपर है मून स्टूडियो वो भी एक नए आरपीजी पे काम करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हमारे को उनकी तरफ से एक नया आरपीजी का गेम देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है हॉरिजन जीरो डाउन की तरफ से। तो हॉरिजन जीरो डाउन आप सबको पता है कितनी मस्त गेम थी एंड अभी उसका सीक्वल आ रहा है बट वो एक कॉमिक बुक के फॉर्म में आ रहा है जो कि 2020 में रिलीज होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेलब्लेड 2 की तरफ से न्यूज आ रही है। तो हेलब्लेड 2 आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली गेम अवार्ड्स में इसकी अनाउंसमेंट हुई है एंड कहा गया था कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे एक्सक्लूसिव रहेगा, बट एक नई रिसेंट ट्वीट में उन्होंने बताया कि ये पीसी पे भी आएगा, ये पीसी और एक्सबॉक्स दोनों पे एक्सक्लूसिव रहने वाला है। तो आई थिंक पीएस यूजर्स जो है काफी खुश होंगे इस बात से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2019 के स्ट्रीम व्यूअर्स की जो है लिस्ट आ गई है, जो सबसे ज्यादा गेम खेली गई है, जो देखी गई है वो उसके यहाँ पे लिस्ट आ गई है। तो आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन 2018 के मुकाबले 2019 में किस तरीके से गेम्स जो है वो चेंज हुए हैं। तो 2018 में सबसे टॉप पे फोर्टनाइट था जो ट्विच पे सबसे ज्यादा गेम फेमस थी एंड उसके बाद फिर इस साल जो है लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया और जो पिछली बार जो था वो पबजी 5वें स्पॉट पे था एंड इस बार वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया। ऑब्वियसली उस पॉपुलैरिटी जो है वो 2019 में काफी कम हो गई है पबजी पीसी की एंड फोर्टनाइट ने काफी यहाँ पे पकड़ बनाई हुई है और एपेक्स लेजेंड जो था वो रिसेंटली ऐड हुआ था इस साल का तो वो भी इस लिस्ट में है। तो दोस्तों ये हो गई सारे गेम्स की बात एंड अब हम बात कर लेते हैं क्रैक गेम्स की। तो इस वीक जो है गेम क्रैक हुई है वो है NFS हीट। तो NFS हीट अभी रिसेंटली रिलीज हुई है और NFS का गेम है, बेसिकली ये आपको थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड वगैरह की थोड़ी सी फील देगा। तो गाइज ये थी आज की गेमिंग न्यूज एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक ले गाइज मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।